महाकुंभ 2025 रे सुरक्षा और स्वच्छता पर प्रयागराज में 237 कोटी प्रकल्प शुभारंभ कर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित कर योगी कहते 13 जनवरी 26 फेब्रुआरी मध्य 6 प्रमुख स्थान रही मेला क्षेत्र को बढ़ाई 4000 हेक्टर कर 25 सेक्टर पार्किंग 14 फ्लाईओवर अंतरण पास 12 किलोमीटर अस्थायी घाट और 550 रु अधिक सटल बस चलो एथर से 1.5 लाख शौचालय व्यवस्था रहा सुरक्षापाई 30 प्लाटन पुलिस फोर्स मुतयन होते खाली से नुहे डिजिटाल मानचित्र सुरक्षा और स्मार्टफोन उपलब्ध कर श्रद्धालु सुविधा लगे 67000 एलईडी 200 वाटर एटीएम ए 85000 ट्यूबवेल व्यवस्था कर प्रशासन 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में जो 6 प्रमुख स्नान होने हैं जिनमें 3 शाही स्नान पड़ेंगे और 6 स्नान होने हैं पोष पूर्णिमा 13 जनवरी को, मकर संक्रांति या शाही स्नान भी पड़ेगा मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को, मौनी अमावस्या शाही स्नान पड़ेगा 29 जनवरी को, बसंत पंचमी शाही स्नान पड़ेगा 3 फरवरी को, माघी पूर्णिमा 12 फरवरी को और महाशिवरात्रि 26 फरवरी को, 26 फरवरी को और उसके उपरांत फिर से हम आप सभी का अभिनंदन करने के लिए यहां पर फिर आएंगे। जब भव्य और दिव्य कुंभ की परिकल्पना को तब सम्मान देने के लिए आएंगे और फिर उसकी अलग से घोषणा भी करेंगे। लेकिन इस बार कुंभ का क्षेत्र बढ़ाया गया है, जो पहले 1800 हेक्टेयर हुआ करता था वह बढ़कर के 2000 हेक्टेयर हुआ, फिर 2500 हेक्टेयर हुआ, अब 3200 हेक्टेयर गत कुंभ में हुआ था, इस कुंभ में हम चले गए 4000 हेक्टेयर के विस्तृत भूभाग में। जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।